हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक कंप्यूटर में कंप्यूटर का इमेज बनाने वाले हैं। तो कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, एमएस पेंट की इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझ लिए थे, तो कंप्यूटर का इमेज बनाना, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर शेप ले लेना है, कंप्यूटर का ड्राइंग बनाने वाले हैं और हम लोग समझने वाले हैं सभी वायर्स के बारे में, कंप्यूटर कनेक्शंस के बारे में, कौन सा पोर्ट्स कहाँ पर लगा रहता है। तो कनेक्शन समझेंगे, तो सबसे पहले आपको एक स्क्वायर शेप लेना है, उसके ऊपर में एक और स्क्वायर शेप ले लेना है, फिर इस तरीके से रेक्टेंगल का शेप, रेक्टेंगल से, फिर उसके बाद एक सर्कल शेप, फिर दोनों को पास रख देना है, फिर दोनों को कलर कर देना है। तो इस तरीके से मैंने शेप बना लिया और दोनों को कलर कर दिया ब्लैक कलर से। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसका इस रेक्टेंगल शेप लिए हमने पहला, फिर इसको रेक्टेंगल शेप से इसको कवर कर दिए, फिर यहाँ से कलर कर दिए। इस तरीके से आप लोगों को बना लेना है। अब कीबोर्ड बनाते हैं। कीबोर्ड बनाने के लिए एक रेक्टेंगल शेप ले लिए, उसको भी बनाने के लिए उसके ऊपर में भी एक और रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करने के लिए, ताकि कीबोर्ड हमारा थोड़ा सा परफेक्ट बने और थोड़ा सा अच्छा भी दिखे करके। तो और इसको हम लोग इसका आउटलाइन कलर ब्लैक कलर कर देते हैं बकेट लेके, और इसको भी ब्लैक कर दिए पूरे को, क्यों, ताकि आप इरेजर ले ले। उसके बाद क्या लेना है, आपको शेप लेना है, स्क्वायर शेप ड्रॉ करना है छोटा सा, कलर को उसका वाइट कर देना है, कलर वन को हमने वाइट कर दिया ये। अब बाहर आपको क्लिक कर देना है, थोड़ा सा एरो, अप एरो और डाउन एरो कीबोर्ड से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। कीबोर्ड का छोटा छोटा की बनाने के लिए हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अब बस छोटा छोटा शेप लेते जाना है आपको, और रेक्टेंगल शेप का यूज़ करके थोड़ा सा छोटा अप डाउन एरो का भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, जो कीबोर्ड का आपका एरो दिया रहता है ऊपर नीचे ले जाने के लिए। अब आप लोग क्या करना है, कॉपी पेस्ट का आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम लोग नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, उस पर आप लोग जाके एक्सेस कर सकते हो। पहले सब इतना को सिलेक्ट किए, तीन बना लिए, अब हम लोग स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, सिलेक्ट किए, फिर उसके बाद कॉपी किए, फिर पेस्ट किए, और इसको पकड़ के लाते जाएंगे। यहाँ पर मेरा की और आ गया तीन की, अब फिर से क्या करते हैं, पेस्ट करते जाते हैं और सभी की को यहाँ पर ले आते हैं। अब पूरे को कॉपी करना है तो फिर से सिलेक्ट किए, थोड़ा सा इसको दूर में रख देते हैं, ये हमारा नंबरिंग किन वाला बन जाएगा यहाँ से। अब पूरे को कॉपी करते हैं, इतना को हम लोग, इतना को एक बार कॉपी किए, पहले तो सिलेक्ट किए, फिर उसके बाद कॉपी पे क्लिक किए, कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, देन फिर से इसको पेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा, और फिर उसके बाद पेस्ट करते जाना है और नीचे उसके लाते जाना है आपको पेस्ट करते हुए। ये कॉपी पेस्ट का आपको यूज़ अच्छा से करना है, आप लोगों को बताया गया था, कंट्रोल सी से कॉपी, सारे शॉर्टकट की का प्रैक्टिस भी कराया गया था और साथ में हम लोग समझे भी थे कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, कैसे फाइल को सेव करना है, सब बता दिया गया था। अब इस दो पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर दो लाइन को, फिर यहाँ से कॉपी, फिर यहाँ से पेस्ट, क्योंकि हम लोगों को बनाना है नंबर की पैड का। तो इस तरीके से हमारा कीबोर्ड का लेआउट हो सकता है, डिज़ाइन उसका, और उसके बाद यहाँ पर ये हमारा एक कीबोर्ड तैयार बन के रेडी हो गया है। इसको कट कर देते हैं, ये हमारा हो गया स्पेस बटन थोड़ा सा, और यहाँ पे एक होती स्पेस की नहीं है, थोड़ा सा जो जीरो की होता है हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए उसको बना दिए, और यहाँ पे हम लोग बना देंगे स्पेस बटन, जो कि अगर आप कीबोर्ड में कितने की होते हैं कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो आप अंडू बटन पर क्लिक कर सकते हो या कंट्रोल जेड बटन को प्रेस कर सकते हो, तो आपका पीछे स्टेप एक स्टेप पीछे चले जाओगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा कीबोर्ड में सबसे बड़ा की कौन सा होता है, स्पेस की होता है, स्पेस की को बड़ा बना लेते। इस तरीके से हमारा कीबोर्ड का बेसिक सिंबल बन गया। अब उसके बाद आपको बनाना है सीपीयू को, तो सीपीयू को चलिए बना लेते हैं इस तरीके से, वाइट, ये सीपीयू बना लिए। तो जल्दी से आप लोगों को इस तरीके से बनाते जाना है, सिंपल सा है एकदम कीबोर्ड। और सबसे पहले हमारे ये सीपीयू रेडी हो गया, फिर इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर देते हैं, इसका आउटलाइन को अच्छे से बना लेते हैं। अगर आप ये जानते हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हो, स्किप करते जाना है आपको, और आगे का पार्ट भी देख सकते हो यहाँ तक, अगर आपको आता है तो, और इसका प्रैक्टिस करना है और आपको डेली इसको बनाते जाना है, और इसका जो प्रैक्टिस करोगे दिए गए नंबर पे आपको सेंड कर देना है। पिछले वीडियो में ही बताया गया था, कुछ लोग जो है बना के नंबर पर शेयर कर रहे हैं, बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अच्छा से ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारा बेसिक पार्ट, बेसिक सीरीज़ चल रहा है, अभी एडवांस सीरीज चलने वाला है, एमएस वर्ड भी सीखेंगे, एमएस वर्ड का एडवांस पास, बेसिक से लेकर एडवांस तक होने वाला है हमारा ये कोर्स। जीरो टू हीरो हमारा ये बेच का नाम है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में पूरा समझने वाला है, फिर सीरीज़ बाई सीरीज़ सभी कोर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, टेली का कोर्स भी करने वाले हैं, डीसीए का कोर्स भी आने वाला है, ऑनलाइन सभी कोर्स को हम लोग सीखने वाले हैं। पहले हमारा बेसिक सीरीज़ चल रहा है, बेसिक कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद बेसिक हो जाने के बाद आप लोगों को
टेली का कोर्स स्टार्ट करेंगे। जो जो टेली इससे सीखना चाहते हैं वो कमेंट में यस ज़रूर करें। देखते हैं हम लोग कितने स्टूडेंट हैं जो टेली सीखना चाहते हैं। तो अगर टेली आप लोग सीखना चाहते हो तो उसका भी कोर्स लाने वाले हैं, तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। सबसे पहले हम लोग बना लिए अब यहाँ तक, ये यह हमारा एक पावर बटन हो गया और एक रीस्टार्ट बटन हो गया। सीपीयू में दो बटन दिया रहता है आपका, एक पावर बटन और एक रीस्टार्ट बटन। और ये हमारा दो पोर्ट दिया रहता है यूएसबी को लगाने के लिए, जैसे कुछ मोबाइल को चार्ज करना है तो, या पेन ड्राइव वगैरह लगाना है तो दो पोर्ट दिया रहता है सीपीयू के आगे में। और यहाँ पे हमारा दो जेक आइडियो जेक बटन दिया रहता है, एक आइडियो प्ले करने के लिए, मतलब कोई अगर आपको हेडफोन लगाना है, ईयरफोन लगाना है तो इसी आइडियो जेक पे लगाया जाता है। एक जो रहता है माइक का रहता है, अगर कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग ऑन करना है तो वहाँ से माइक लगा सकते हैं। माइक लगाने के बाद जैसे कि माइक लगाओगे तो कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं वहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे यहाँ से माइक लगाते हैं हम लोग यहीं से, ताकि अगर आगे से लगाते हैं तो उतना अच्छा से वर्क नहीं करता है, पीछे से भी लगाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे माइक का। ये हमारा है माउस पैड, मतलब माउस को ऊपर में रखने वाला पैड जिसको बोलते हैं माउस पैड, जो हमारा ये कवर माउस को ऊपर में रखते हैं, ये हमारा माउस पैड है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं माउस, माउस पैड का कलर कर लेते हैं। ये माउस पैड का कलर हो गया। आप माउस बनाते हैं हम लोग इस तरीके से, शेप ले लेना है आपको, थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर वाला शेप इस तरीके से थोड़ा सा, फिर उसके अंदर भी उसी शेप ले लेना है और एक और अंदर में उसका शेप ले लेना है। हो सकता है मेरे से ड्राइंग उतना अच्छा ना बने, बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं अब, ताकि आप लोग अच्छा से थोड़ा सा समझ जाऊँ। और वायर्स के बारे में मेन हम लोगों को समझना है अच्छा से, कि कौन सा वायर किस पे रहता है। ये हम लोग स्क्रॉल बटन बना दिए, माउस का तीन रहता है, एक लेफ्ट क्लिक आपका, एक राइट क्लिक। तो हमारा राइट क्लिक रेडी हो गया है, लेफ्ट क्लिक हो गया। अब ये हमारा स्क्रॉल बटन है, इसको फिल कर देना है आप लोगों को इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्रॉल बटन हो गया हमारा। आप सभी वायर्स को हम लोग लगाते हैं। वायर्स को लगाने के लिए आप उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर बना लेते हैं। प्रिंटर भी क्योंकि कंप्यूटर का ही पार्ट्स है, प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। आगे और आने वाले वीडियो में भी समझेंगे इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। पहले आप बस बेसिक शुरू से सीरीज से जुड़े रहो, सबको हम लोग कवर स्टेप बाई स्टेप समझते जाएंगे, क्योंकि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा थोड़ा सा प्रिंटर का इमेज हो गया, और इस तरीके से आप लोगों को बनाते जाना है। आप लोग बहुत और बेहतर तरीके से इसको बना सकते हो, बस मैं समझने के लिए कुछ सिंपल सा जल्दी जल्दी थोड़ा सा बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग हो सके तो थोड़ा सा बढ़िया बनाना, और उसका फ़ोटो आप लोगों को सेंड कर देना है, जो भी बना लोगे उसका नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है आपको। तो इस तरीके से हमने एक प्रिंटर बना लिया। आप लोग और थोड़ा सा बेहतर बना सकते हो, बेहतर बना लेना आप लोग। कोई भी वीडियो को देखने से कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करना है आपको, कमेंट में ही आंसर दिया जाएगा आपको। तो इस तरीके से हमारा प्रिंटर रेडी हो गया। और उसके बाद अब बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं हम लोग, इसका कलर कर लेते हैं थोड़ा सा आउटलाइन को। अब हम लोग समझने वाले हैं सभी में वायर का लगाने वाले हैं, कि कौन सा वायर किससे कनेक्ट रहेगा, सीपीयू का वायर किससे कनेक्ट रहेगा, मॉनिटर का वायर किससे कनेक्ट रहेगा, कीबोर्ड का किससे रहेगा, माउस का किससे कनेक्ट करना है। तो सभी को समझने वाला है कि यहाँ पे स्विच बना लेते हैं, ताकि जो हमारा इसको पहले ऑल सेलेक्ट किए, थोड़ा सा सेंटर में ला लेते हैं। कंट्रोल से क्या होता है आपका, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट किए, फिर उसको बीच में ले आए थोड़ा सा, ताकि स्विच को भी बनाया जा सके। तो यहाँ पे स्विच ले लेते हैं, स्विच ले लिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्विच ले लेते हैं। ये स्विच है हमारे प्रिंटर को लगाने के लिए, प्रिंटर को भी क्योंकि वायर से जोड़ना पड़ता है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है। एक जो हमारा प्रिंटर का वायर रहता है, अब हम लोग बनाते हैं वायर्स, और एक यूपीएस ले लेते हैं। यूपीएस अगर कंप्यूटर में आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, अगर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम रहता है तो आपको यूपीएस ज़रूर ले लेना है। यूपीएस क्या करता है, अगर कंप्यूटर में कुछ ज़रूरी फाइल्स में काम कर रहे हो, लाइट चला जाता है तो स्टोर नहीं रहता है, वो डिलीट हो जाता है, कट जाता है, तो उसी को स्टोर रखने का काम आपका सीपीयू करेगा। कंप्यूटर से कनेक्ट कर दोगे तो अचानक से अगर लाइट जाएगा तो आपका जो बनाए रहोगे नहीं जाएगा, क्योंकि सीपीयू में कुछ पावर कंज्यूम करके रखता है, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें रहता है, ताकि आपका जो फाइल बनाए उसको सेव करने का मौका देता है, 5-10 मिनट तक बैकअप दे के रखता है, ताकि आपका जो कंप्यूटर है शट डाउन ना हो, बंद ना हो, अचानक से लाइट जाए तो बंद ना हो। तो इसके लिए यूपीएस लगाते हैं। तो यूपीएस में दो बटन दिया रहता है आपका, ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर का। जैसे लाइट चालू करते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ रहता है जो यूपीएस होता है, तो येलो ऑरेंज वाला लाइट जलता है आपका, जैसे ही लाइट चला जाता है तो ग्रीन वाला लाइट स्टार्ट हो जाता है। अगर सीपीयू इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट रहता है, लाइट रहता है, और तो ऑरेंज वाला जलता रहता है, और जैसे ही लाइट आ जाता है सीपीयू में, मतलब बिजली चला जाता है, तो हमारा यूपीएस ऑन हो जाता है। यूपीएस तो ऑन ही रहता है वैसे, लेकिन लाइट चले जाता है तो ग्रीन वाला लाइट इसका जल जाता है। तो जो हमारा यूपीएस का वायर इससे कनेक्ट रहेगा मेन,
ये हमारा UPS का इससे कनेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि मेन इलेक्ट्रिसिटी यहीं से आता है, हमारा मेन बोर्ड है सर्किट बोर्ड, यहीं से हमारा लाइटिंग है मान के चलते हैं, और यहीं से हमारा क्या है UPS में लाइट आता है। लाइट के केस में आपका ऑरेंज वाला बटन जलता रहेगा, लाइट रहेगा तो। और जो हमारा कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का यहाँ से इसका स्विच बना देते हैं बटन, ताकि UPS हमारा ऑन रहे। UPS को ऑन करेंगे और फिर UPS क्या है आप लोगों को, UPS का पूरा नाम यूनियन टू रिप्टेबल पावर सप्लाई, UPS का पूरा नाम है यूनियन टू रिप्टेबल पावर सप्लाई UPS का। तो और जो हमारा कंप्यूटर का जो मोनिटर का वायर है इसको UPS से कनेक्ट कर दिए। और जो हमारा मोनिटर का वायर क्यों, ताकि लाइट चला जाए तो हमारा UPS बैकअप दे के रखे, कुछ भी ज़रूरी फाइल्स को सेव करें तो अचानक से वो कटे ना, इसलिए UPS में वायर लगा दिया जाता है। अगर प्रोफेशनली आप काम कर रहे हो तो UPS लेना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स में आप काम करते हो तो। अगर नॉर्मली काम करते हो तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली काम करते हो UPS लेने के कई फ़ायदे हैं। अगर आपका फाइल सेव रहता है और विंडो को करप्ट होने से बचाता है जो आपका कंप्यूटर रहता है उसको, तो CPU का भी हम लोग किस में लगा दिए UPS में, तो आपका। और जो मॉनिटर का एक वायर है ये हमारा लग गया CPU में, तो मॉनिटर क्योंकि डिस्प्ले भी दिखना चाहिए, और प्रिंटर का वायर हमारा हो गया दूसरे बोर्ड में, हो गया स्विच दूसरे बोर्ड में लगा देते हैं मॉनिटर का जो वायर हो गया उसको हम लोग इस तरीके से। ये प्रिंटर का वायर है हमारा, सॉरी गलती से मिस्टेक, ये हमारा क्या है प्रिंटर का वायर है। प्रिंटर वायर को भी मेन बोर्ड से इसको जोड़ दे रहे हैं ताकि इसमें भी पावर इलेक्ट्रिसिटी आए, क्योंकि बिजली लगेगा तभी हमारा प्रिंटर काम करेगा। तो इसको भी इसके लिए स्विच बना दिया। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये वाले स्विच को हम लोग कॉपी यहाँ से पेस्ट, ताकि वहाँ पे बनाना ना पड़े। फिर इसको पकड़ के ये वाले में कर दिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं इस कॉर्नर साइज से। तो हमारा प्रिंटर हो गया, प्रिंटर का स्विच ऑन है, समझो प्रिंटर ऑन है हमारा। फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं ये जो हमारा प्रिंटर का एक वायर जो रहता है CPU से कनेक्ट रहता है, मेन इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट रहेगा और CPU से कनेक्ट रहता है। भी कंप्यूटर में कंट्रोल P का कमांड देंगे तो यहाँ से प्रिंट आउट होके निकल के आएगा। कीबोर्ड का भी वायर किससे कनेक्ट रहेगा आपका, CPU से कनेक्ट रहेगा। माउस का वायर किससे कनेक्ट रहेगा, CPU से कनेक्ट रहेगा। कई लोग कोर्स कर लिए रहते हैं लेकिन कीबोर्ड का वायर कहाँ से कनेक्शन रहता है ये लोग नहीं जानते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक पार्ट है, बेसिक चीज़ है, इसको आप समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कहीं पे आप लोग जाते हो तो कंट्रोल ए से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लिया मैं, कंट्रोल ए करके ही किया हूँ, तो ताकि पूरा पेज को सिलेक्ट करके थोड़ा सा सभी को एडजस्ट किया जा सके। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, सभी वायर्स का हमने समझ लिया कि वायर्स को कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा, सब प्रिंटर का, मॉनिटर का, कीबोर्ड का। तो इस तरीके से वायर का कनेक्शन को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन फ्यूचर आप किसी को समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम लोग लिख लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के, तो पार्ट्स बता दिए हैं, कंप्यूटर का बेसिक पार्ट है, इन्हीं से मिलकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम रेडी होता है। अगर रिक्वायरमेंट है तो हम लोग UPS जरूरी है कि तब के केस में जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फाइल में आप लोग काम कर रहे हो तो बहुत, अगर नॉर्मल काम कर रहे हो तब तो ठीक है, नहीं UPS नहीं लोगे तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फाइल में काम कर रहे हो, डेली आपका वर्क रहता है, फाइल होने का डर रहता है, सेव नहीं करके काम करते हो, तो UPS ले सकते हो आप लोग। वरना अगर नॉर्मल काम है तो UPS नहीं भी लोगे तो चलेगा, प्रिंटर भी नहीं लोगे तो चलेगा। अगर आपका प्रिंटिंग का काम है तो प्रिंटर लोगे तो ठीक है, अगर नहीं भी रखते हो तो आपका चार बेसिक पार्ट निकल के आता है, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया और CPU हो गया। तो हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर थोड़ा सा सेंटर में रख देते हैं, ये हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसको सेंटर में रख दिए, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं ताकि इस तरीके से वहाँ से सिलेक्ट करके फिर यहाँ से इसको सेंटर में रख देते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कहीं पे भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया, थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं, सबका नाम लिख लेते हैं। ये हमारा है UPS, इसका पूरा नाम थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं हम लोग, इसका नाम है हमारा UPS, यूनियन टू रिप्टेबल पावर सप्लाई UPS, पूरा नाम UPS, इसको कंट्रोल ए किए बोल्ड कर दिए, बोल्ड तो पहले से ऑलरेडी है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं, ये हमारा है मॉनिटर को थोड़ा सा कलर कर देते हैं ब्लू कलर से, क्योंकि इसका विंडोज़ का कलर ब्लू रहता है। इसमें हम लोग स्क्रीनशॉट लाना भी लाएंगे, आइकन्स के बारे में समझेंगे, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं ये भी बताया जाएगा। बस वीडियो पर थोड़ा सा बने रहें, थोड़ा सा और बचा है हमारा। फिर इसका नाम लिख देते हैं हमारे, इसका नाम है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर एक कंप्यूटर का मेन आउटपुट डिवाइस। अभी आप लोग बस समझे ये जाने रहो कि मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। आगे हम लोग सभी वीडियो में जानेंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होगा, बोथ डिवाइस क्या होगा,
सभी के बारे में अच्छा से समझने वाले हैं। तो मॉनिटर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो कि आउटपुट प्रेजेंट करता है, डिस्प्ले में दिखाता है जो भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर ड्राइंग बना रहा हूँ तो ये आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मॉनिटर की स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है। जो चित्र मैं बना रहा हूँ ये मॉनिटर की स्क्रीन पर ही दिखाई देगा आपको। आप जो वीडियो भी देख रहे होगे अगर लैपटॉप में, तो आपके मॉनिटर की स्क्रीन में ही दिखाई देगा। तो ये हमारा है माउस। माउस को कितना क्लिक होता है आप लोग कमेंट करो। माउस का दो क्लिक होता है, एक को बोला जाता है आर क्लिक। आर क्लिक का मतलब आपका हो गया राइट क्लिक, जो कि किसी प्रॉपर्टीज़ को फंक्शन बार को ओपन करने के लिए किया जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमारा काम ज़्यादा रहता है किसका, लेफ़्ट क्लिक में ज़्यादा रहता है। राइट क्लिक का यूज़ किसी भी प्रॉपर्टीज़ को फंक्शन को ओपन करने के लिए किया जाता है, राइट क्लिक का यूज़। तो हमारा हो गया आर क्लिक। और एक हमारा क्या है लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक का यूज़ जो है कम किया जाता है, किसी भी कम नहीं, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका लेफ़्ट क्लिक का। जब भी माउस पकड़ोगे तो लेफ़्ट क्लिक का ही ज़्यादा यूज़ करोगे। किसी को भी ओपन करना है तो डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया आपका, तो समझ गए। एल क्लिक, एल क्लिक मतलब कि लेफ़्ट क्लिक, माउस का लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट करने वाला क्लिक। और एक जो बटन होता है स्क्रॉल बटन बोला जाता है, स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल व्हील भी हो सकते हैं। और ये हमारा प्रिंटर है, ये हमारा वायर है, और ये हमारा क्या है स्विच है। तो दो स्विच है हमारे पास अभी, तो चलिए इसका भी नाम लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है CPU है, तो इसका नाम हमारा क्या है प्रिंटर। ये हमारा स्विच है SWITCH, ये हमारा क्या हो गया स्विच। अब उसके बाद ये हमारा क्या है वायर है। वायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वायर का होना ज़रूरी है। और ये हमारा क्या है प्रिंटर है। प्रिंटर आप लोग बताओ इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, कमेंट में लिख देना। अगर जिसका आंसर रहेगा इनपुट डिवाइस वो ए कमेंट कर देना, जिसका आंसर है आउटपुट डिवाइस वो कमेंट में बी लिख देना। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं प्रिंटर एक क्या है आउटपुट डिवाइस है, कि इसका आउटपुट लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर से पी कमांड देते हैं तो प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। तो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ये हमारा क्या है स्क्रॉल बटन है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल रहता है वो आपका सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। पिछले वाले वीडियो भी हमने बता दिया था हार्ड कॉपी का मतलब यही। अगर पार्ट्स कंप्यूटर के इसी को जो ड्राइंग बनाए इसको प्रिंट करके बाहर निकालें प्रिंटर के जरिए तो हमारा कहलाएगा हार्ड कॉपी कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे हार्ड कॉपी जो कि फिजिकल पार्ट है बाहर में जो निकालेंगे, और जो अंदर रहेगा हमारा सॉफ्ट कॉपी है। कंप्यूटर के अंदर है कोई फाइल तो वो सॉफ्ट कॉपी है, अगर कंप्यूटर के बाहर है तो वो हार्ड कॉपी है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग ये हमारा क्या है कीबोर्ड है, कीबोर्ड का भी नाम लिख लेते हैं KEYBOARD कीबोर्ड। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन थोड़ा सा आप लोग स्किप करके देख सकते हो अगर आता है तो। अब हम लोग इसी स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेना है तो PS बटन को दबाना है आपके कंप्यूटर को, देख सकते हो मेरा स्क्रीनशॉट हो गया है। और यहाँ आके पेस्ट कर देना है Ctrl+V बटन, जैसे ही Ctrl+V, क्योंकि इसको डेस्कटॉप स्क्रीन में हम लोग जो बनाए हैं ड्राइंग उसमें लाना है तो इसको थोड़ा सा छोटा किए। PS बटन दबाओगे तो आपका कीबोर्ड का PS बटन लिखा रहेगा, या प्रिंट स्क्रीन लिखा रहेगा, उसी पे क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। फिर उसी स्क्रीनशॉट को कंप्यूटर में पेस्ट कर देना है, मतलब MS पेंट पे आ जाना है और वहाँ पेस्ट कर देना है। Ctrl+V बटन दबा देना है। अगर PS बटन नहीं मिलता है आपको तो कीबोर्ड से विंडो शिफ्ट और एस बटन को दबा सकते हो। विंडो शिफ्ट एस बटन भी दबाओगे तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा जितने पार्ट्स का लेना है। तो हमने इसको अटैच कर दिया, यहाँ पर लगा दिया। ये हमारा हो गया डेस्कटॉप आइकन और ये हमारा हो गया डेस्कटॉप स्क्रीन। तो इस तरीके से आप स्क्रीन को कंप्यूटर में अटैच कर सकते हो। ये हमारा जो आइकन्स आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है डेस्कटॉप का आइकन। जो भी आइकन जैसे मोबाइल में कुछ भी एप्स रहता है उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, इसमें आइकन्स इसका, इसमें भी एप्लीकेशन बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया डेस्कटॉप आइकन। थोड़ा सा इसका फ़ोन साइज छोटा कर दिए। ये हमारा हो गया डेस्कटॉप आइकन। और जो हमारे इसके अंदर इसको बोलेंगे ये वाले को डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेस्क को जो कंप्यूटर होता है PC होता है डेस्क को ऊपर रखा जाता है, डेस्क के ऊपर रखा जाता है, इसलिए इसको डेस्कटॉप बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप आपका स्क्रीन का मतलब कंप्यूटर स्क्रीन भी बोल सकते हो आप लोग, या डेस्कटॉप स्क्रीन भी बोल सकते हो। तो हम लोग इसका नाम लिख देते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन, कोई सा भी हो। और जो आपका नीचे कलर का नीचे में ब्लैक कलर का जो पट्टी दिखाई देगा, नीचे में जो ब्लैक कलर का पट्टी दिखाई देगा उसको बोला जाएगा टास्क बार। ये क्या है हमारा नीचे वाला जो ब्लैक कलर का थोड़ा सा पट्टी है वो कहलाएगा आपका टास्क बार। तो इस कीबोर्ड के बारे में हमने जाना, कंप्यूटर्स के बारे में, बेसिक्स के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कौन सा वायर कहाँ पर अटैच रहेगा, UPS क्या है, प्रिंटर क्या है, कौन सा वायर किससे कनेक्टेड रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। कई लोग कंप्यूटर कोर्स कर लिए रहते हैं लेकिन ये सब बेसिक्स नॉलेज नहीं रहता है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है इस तरीके से बनाना। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और इसका जो ड्राइंग है इसका PDF आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, या इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF फाइल दिया गया है, आप लोग देख देख के भी ड्राइंग बना सकते हो।
अगर कहीं पे कुछ दिक्कत रहता है तो कमेंट ज़रूर करना है आपको, और आपको इस सीरीज़ में बने रहो। अभी हमारा पेंट का ही पार्ट चल रहा है इसलिए थोड़ा सा, बाकी हम लोग एडवांस पार्ट भी सीखेंगे, एक्सेल का एडवांस पार्ट सीखेंगे, पावर पॉइंट का और जितना भी इंटरनेट का ही पार्ट है एडवांस पार्ट को भी हम लोग कवर करेंगे, एडवांस से रिलेटेड सब चीज़, एक्सेल के फार्मूलाज के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में कुछ प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो बस इतना ही वीडियो में बने रहें, थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं। और तो कुछ वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। इसका ड्राइंग बना के आपको दिए गए नंबर पे शेयर कर देना है।